और जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना स्थानीय कोतवाली पुलिस ने 4 मई को कस्बा के कैलेंडर तिराहा पर महिला से हुई लाखों की लूट का पर्दाफाश करते हुए दो लुटेरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लूट के 4.25 लाख रुपए का आभूषण, मोबाइल और नकदी बरामद हुई है। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी मिला है। घटना के पर्दाफाश के संबंध में पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर अजय विक्रम सिंह ने बताया कि घोसी थाना क्षेत्र के असना मुबारकपुर गांव निवासी अजमल हाजी 4 मई की शाम 8 बजे मोहम्मदाबाद गुना कोतवाली के उत्तरेशपुर गांव से अपनी पुत्री के साथ बाइक से घोसी जा रहे थे। वह कुछ देर के लिए कस्बा में चल रही प्रदर्शनी देखने के लिए रुके तो लुटेरों की नजर उनकी पुत्री के पर्स पर पड़ी और वह उसे तत्काल लूटने योजना को अंजाम देने लग गए। कुछ देर बाद जब वह घोसी जाने के लिए निकले तो कस्बा के कैलेंडर तिराहा पर किसी काम से बाइक रोक किया। इसी बीच पीछे से आए बाइक सवार दो युवकों ने उनकी लड़की के हाथ से पर्स छीन लिया। बाइक में लाखों के गहने, मोबाइल और नकदी थी। पीड़ित ने घटना से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस के साथ एसओजी की टीम घटना के पर्दाफाश में लगी थी। इस बीच सीसी कैमरा फुटेज और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र के मनैया चट्टी से सुल्तानपुर कोलोरा मार्ग पर घटना में शामिल बाइक सवार दो युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लूट के 4.25 लाख रुपए से अधिक के आभूषण, 1000 नगद लूट की मोबाइल पर्स के अलावा 315 बोर के दो अवैध अदद तमंचा और जिंदा कारतूस मिला। पकड़े गए आरोपियों में से प्रदीप कुमार पुत्र अशोक राम और नितेश पुत्र पिंटू राम निवासी खुरहट थाना रानीपुर है। पुलिस उपाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी नितेश पर मोहम्मदाबाद गुना और सदर कोतवाली में पूर्व में भी लूट, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट आदि के मुकदमे दर्ज है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय चालान कर दिया गया है। मोहम्मदाबाद गुना से मोहम्मद अंसार के साथ वसीम खान की रिपोर्ट। हम लोगों ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री इलामारन जी के नेतृत्व में अपराधों के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज थाना मोहम्मदाबाद पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। जब एक लूट के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको खास की सूचना पर मड़ाइया चट्टी से सुल्तानपुर कोलोरा की तरफ एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये दोनों व्यक्ति जो कि एक महिला को पर्स छीन कर भागे थे, जिसमें मुख्यमंत्री 136 पुलिस नेताओं की मुलाकात उसमें ये दोनों आदरणीय हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में हुआ था 2020 में 2021 में। और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में आश्वासन दिया हमारे नेताओं को जिनकी उम्र 22 वर्ष है, आपका मांग जेन्युइन है, आपकी मांग उचित है, ये दिया ही जाना चाहिए और हम इस पर कार्रवाई जल्दी कराएंगे। और केवल आश्वासन ही नहीं दिया, एक एंड्रॉइड प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री आदरणीय और एक पीली धातु की जितेंद्र सिंह जी को आदेश दिया और उनको कहा कि इस पर जल्दी कार्रवाई करवाइए। लेकिन इतने दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहले झाली लटकन 2013 में जब मनमोहन सरकार ने इस पेंशन को मिनिमम पेंशन को 5000 से 1000 किया, 500 से इनमें से नीतीश 500 से 1000 बढ़ा करके किया, जिस पर प्रकाश जावड़ेकर जी भाजपा के उस समय प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने के साथ जुल्म किया है। ये कोशियारी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इनका पेंशन 3000 प्लस डीए होना ही चाहिए और हमारी सरकार आएगी तो हम इसे जरूर कर देंगे।